ठीक है, शुरू करता हूँ, बाद में देख लेगा। एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम सारा पुरस्कार आपका याद हो जाएगा यहाँ पे, तो ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे तो याद ही होगा बहुतों को। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? इधर बता दो, नीला अंशु, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? नागेंद्र, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? तो जितना भी पुरस्कार होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार में से होता है पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब ज्यादा पूछा जाता है। तो पद्मश्री में पढ़ते हैं कि अभी पद्मश्री किसे मिला भाई? तो पद्मश्री में देखिए, दो चार का याद कर लीजिए, पिछला चार, तो 2020, 2021, 2022 और 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना दूर तक याद होना चाहिए। ये सीरीज में दे देगा या मिलान करो दे देगा, सुमेलित करो दे देगा। 2020 में किसे मिला? ठीक है, 2021 में मिला मधु मंसूरी हंसमुख को। ठीक है, 21 में किसको मिला? छुटनी देवी, ये डाइन प्रथा के खिलाफ काम की थी। 2022 में किसे मिला? कोई बताए होशियार लड़का, गिरधारी लाल गोंजू। गोंजू को, गिरधारी लाल गोंजू को, गिरधारी राम गोंजू। ठीक है, साहित्यकार थे ये, हिंदी और नागपुरी के। ठीक है, उसके बाद 2023 में किसे मिला, बता सकता है? डॉक्टर जामुन सोई को मिला, डॉक्टर जामुन जामुन सोई, डॉक्टर जामुन सोई को मिला। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये घाटशिला के निवासी थे। ठीक है, ऑन कर दिया तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे लिखने में। जामुन सोई कहाँ के थे? घाटशिला के थे भाई। तो 2023 में इसे मिला है किस किस लिए? हो भाषा के, साहित्य के विकास के लिए। घूम गया थोड़ा। तो इतना आपको याद होना चाहिए। कुछ माल फंक्शनिंग कर रहा है मेरा टैबलेट। मिला है तो पद्मश्री हमें याद हो गया। अब चलते हैं उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार इस वर्ष किसे मिला भाई? 2022 में। ठीक है, ये तो 22 नवंबर को दिया जाता है, 2000, क्योंकि उस दिन विधानसभा का जन्मदिन है 22 नवंबर, उसी दिन दिया जाता है। तो 22 नवंबर अभी तक आया नहीं है, तो 2022 में किसको मिला है? विनोद कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह। ठीक है, कहाँ के विधायक थे भाई ये? बगोदर के, बगोदर गिरिडीह में अवस्थित है। और किस पार्टी के थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, भाकपा माले का है ये। ठीक है, ये याद रखिए भाई। और क्या बड़ा पुरस्कार मिला है? सांसद रत्न। ठीक है, एमएलए वाला हो गया, सांसद रत्न किसे मिला है? ये मिला है
विद्युत वरण महतो को, विद्युत वरण महतो कहाँ का एमपी है ये, कोई बता सकता है कहाँ का एमपी जमशेदपुर। है? जमशेदपुर का। ठीक है, इतना याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो गया, छह चीज हमें याद है, हो गया। अब हम लोग चलते हैं, और बड़ा पुरस्कार साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये कौन सा? युवा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार झारखंड में 2022 में दो आदमी को मिला था भाई, दो युवा को मिला था। ठीक है, एक तो संथाली में मिलता ही मिलता है, वो फिक्स है, संथाली 22वीं आठवीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। एक कॉमन लैंग्वेज जो सबके लिए है वो अंग्रेजी में मिल गया है, तो संथाली में किसे मिला है? संथाली में मिला है ये जमशेदपुर का रहने वाला सालगे हांसदा को, सालगे हांसदा। ठीक है, सालगे हांसदा, सालगे हांसदा का किस में मिला है भाई? संथाली उपन्यास जनम दिसोम उजारो काना, जनम दिसोम उजा उजारोग काना, मतलब जन्मभूमि वीरान हो रही है, इसका मतलब काना, जन्मभूमि वीरान हो रही है, ये कहने का मतलब है। तो इसके लिए इसे मिला है। दूसरा इंग्लिश में किसे मिला है भाई? इंग्लिश में मिला है मिहिर वत्स को, मिहिर वत्स, बहुत बिका इसका बुक। ठीक है, हजारीबाग का रहने वाला है ये लड़का। इस बुक का नाम क्या है? टेल्स ऑफ, टेल्स ऑफ एंड इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर इस किताब के लिए मिला है। टेल्स ऑफ एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर। तो ये सब बड़े बड़े पुरस्कार पढ़ लिए हम लोग। और पढ़ते हैं भाई, कौन सा पुरस्कार और पुरस्कार मिला है बड़ा पुरस्कार में? जनजातीय गौरव सम्मान। ठीक है, जनजातीय गौरव सम्मान, जनजातीय गौरव सम्मान कब दिया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब है? चक्रपाणि मिश्रा, जनजातीय गौरव दिवस कब है? हैं? दिवस 15 नवंबर। वेरी गुड, 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है। और मैं, दुनिया में कोई खुश हो या ना हो, इस घोषणा से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि तो किसी भी आदमी को सम्मान से बड़ा चीज कुछ है ही नहीं। किसी के अंदर आप ये डाल दो कि तुम में सम्मान है, वो कुछ भी कर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था, बहुत ही अच्छा काम किया है, और मैं इसका बहुत अच्छा मानता हूँ कि जनजातीय गौरव सम्मान दिवस शुरू किया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार कब कहाँ दिया गया? मुंबई में दिया गया भाई। ठीक है, मुंबई में नरीमन पॉइंट, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है नरीमन पॉइंट कहाँ है भाई? नरीमन पॉइंट मुंबई में, नरीमन पॉइंट। ठीक है, इस जगह पे ये यशवंत राय सेंटर है, ये हमेशा यही सब कार्यक्रम के लिए बुक किया जाता है, यशवंत राय सेंटर। ठीक है, तो नरीमन पॉइंट में है, वहां पे ये पुरस्कार दिया गया प्रभात खबर के एक पत्रकार को। ठीक है, प्रभात खबर का एक पत्रकार है, उसका नाम है नागेंद्र। ठीक है, सॉरी नागेश्वर नाम है उसका, नागेश्वर नाम है, उसको ये पुरस्कार दिया गया भाई। ये याद रख ले, ये हमेशा आत्मनिर्भर भारत, और एक दूसरा कोई फॉरम है भाई, इंटेलेक्चुअल फॉरम, झारखंड इंटेलेक्चुअल फॉरम एक संस्था है, उसके थ्रू मिलता है, झारखंड इंटेलेक्चुअल फॉरम।
फोरम एंड आत्मनिर्भर भारत, इनके सौजन्य से दिया गया। चलते हैं रे भाई आगे। आगे कौन सा पुरस्कार है भाई? डिजिटल इंडिया अवार्ड। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में किसको दिया गया रे भाई? ये दिया गया झारखंड को। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 राज्य को दिया जाता है। ठीक है, तो झारखंड को दिया गया ये, झारखंड में कोडरमा जिला को दिया। कोडरमा जिला में बहुत अच्छा काम हुआ था डिजिटल इंडिया को लेके। ठीक है, तो वहां पे दिया गया है, कोई मतलब कंप्यूटर का कोर्स चलाया गया था। ठीक है, तो उसमें बहुत आदमी को शिक्षित किया गया, तो इसलिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 झारखंड को मिला है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। अगला पुरस्कार स्वर्ण शक्ति पुरस्कार। ठीक है, स्वर्ण शक्ति पुरस्कार, और ये पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जिसमें जो झारखंड से दुनिया में कोई जीत ही नहीं सकता है। स्वर्ण शक्ति पुरस्कार हर बार झारखंड जीतता है। ये कौन देता है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, अपने सबसे अच्छे खदान को, कोयला खदान को, कोल माइंस को देता है। जहां कोई दुर्घटना ना हुआ हो प्रीवियस ईयर में, कोई हड़ताल ना हुआ हो, किसी को तकलीफ ना हुआ होगा, अच्छे कोल माइंस को दिया जाता है भाई। और हर साल ये झारखंड में ही पुरस्कार आता है। तो इस वर्ष किस खदान को मिला है भाई स्वर्ण शक्ति पुरस्कार? पकरी बरवाडी। पकरी बरवाडी, मेरे ख्याल से यहाँ का एक लड़का है चक्रपाणी मिश्रा, घूमने जरूर गया होगा पकरी बरवाडी। है वो क्या? हाँ सर, कल ही गए थे। कल ही गए? देखो मैं कितना दूरदर्शी इंसान हूँ, तो वो बाकियों का नाम नहीं लिया। ठीक है, एनटीपीसी गए थे सर। एनटीपीसी गए थे, तो ये एनटीपीसी का ये खदान है भाई पकरी बरवाडी, हजारीबाग में। एकदम याद रखे, ये आपका महसूस लिखेंगे उस समय काम आएगा। ठीक है, पिछले वर्ष भी मिला था इसी को, मतलब झारखंड को ही मिला था। हर वर्ष झारखंड को ही मिलता है। ठीक है, कभी कभी वो कोरबा वाला जो है, कोरबा एनटीपीसी में चार पांच खदान है, उन लोग जीत जाता है। अदरवाइज इसमें हमारा एकाधिकार है इस पुरस्कार में। पिछले वर्ष जो मिला था 2021-22 में, ये 2022-23 में मिला है पुरस्कार, अभी अभी मिला है कुछ दिन पहले। तो 2021-22 में मिला है किसको? चक्की बरियातू। ये भी लगता है आप गए होंगे चक्की बरियातू, ये भी हजारीबाग में है, सुनियो ना। हाँ सर, मेरी डायरी ब्लॉक में है शायद मैं बोल रहा हूँ, कंफर्म नहीं। तो ये दोनों पकरी बरवाडी और चट्टी बरियातू एक कोयला खान है भाई, ये याद रखिएगा। जल प्रहरी सम्मान, जल संरक्षण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है भाई, जल प्रहरी सम्मान। ठीक है, जल प्रहरी सम्मान ये किसे मिला 2022-23 का? ये मिला दो आदमी को मिला है, एक देवघर का समीर अंसारी, देवघर का समीर अंसारी को मिला है, और एक मिला है हजारीबाग के संजय कुमार सिंह को। संजय कुमार सिंह को मिला है। ठीक है, बड़ी आसान है, ये सब हार्ड कुछ है ही नहीं रे भाई, सिर्फ देखने में हार लगता है। डॉक्टर, अगला पुरस्कार डॉक्टर फादर कामिल बुके। ठीक है, बुके हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बुके हो जाता है, एल एल एम। बुके साहित्य सम्मान, साहित्य सम्मान 2022। ठीक है, 2022 में किसको मिला ये साहित्य सम्मान?
है, ये झारखंड का आदमी है भाई, और ये पुरस्कार झारखंड के भीतर ही दिया जाता है, झारखंड के आदमी को ही दिया जाता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। फादर कामिन बुल के पुरस्कार पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये किस देश से आया था फादर कामिन बुल के, सीधा बताओ। हाँ सर किस देश से आया था? बेल्जियम से। हाँ वेरी गुड, बेल्जियम। ठीक है, गांव का नाम इसका? वो नहीं याद है सर। अरे राम के नाम, राम उसका गांव का नाम, रामास्ते ऐसे कुछ प्ले था, इसीलिए तो आया ही था राम, मेरे गांव का नाम राम से क्यों शुरू हुआ, तो राम के लिए ही आया था ढूंढने के लिए। जी सर। पुरस्कार भूल जाते हो। चलो अगला पुरस्कार, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, ये भी बहुत बड़ा पुरस्कार है भाई, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2022, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2022, ये किसको मिला भाई? बहुत बड़ा पुरस्कार है ये, तपन पटनायक को मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तपन पटनायक किसे रिलेटेड है? छत्रपाणि तपन पटनायक का संबंध किस क्षेत्र से है? हाँ कई बार बता चुका हूँ, छऊ नाम से है ये, छऊ छऊ सर। ठीक है, सरायकेला छऊ को मतलब राजकीय महोत्सव इसी के प्रयास से घोषित किया है, किया था जो समिति बना था उसका अध्यक्ष यही था तपन पटनायक, कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, अगला स्टाटा पुरस्कार किसको मिला है? स्टाटा पुरस्कार देखिए, दो पुरस्कार जो है वो झारखंड को मिला है, एक तो डिजिटल पुरस्कार बता दिया, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, दूसरा स्टार्टअप पुरस्कार। स्टार्टअप पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो राज्य तंबाकू निषेध के क्षेत्र में अप्रगत मैंने अभूतपूर्व कार्य करता है। झारखंड में आजकल खैनी खाना बहुत कम कर दिया है लोगों ने, तो स्टार्टअप पुरस्कार झारखंड को मिला है, ये WHO द्वारा दिया जाता है। ठीक है ठीक है, इसका कुछ पूरा नाम है भाई, नाम मुझे फिलहाल याद नहीं है, तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ पुरस्कार ऐसे कुछ है, स्टार्टअप तंबाकू निषेध प्रकोष्ठ पुरस्कार। ठीक है, कुछ दिन पहले बिहार को मिला था, इस बार झारखंड को मिला है। ठीक है भाई, अगर आपसे अच्छा ये बता दीजिए, एंटी टोबैको डे कौन सा, एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है बताओ? 30 मई है, 30 मई है सर, 30-31, 30 मई, 31 31 मई, 31 मई है। सीता को ध्यान होना चाहिए, इसी को तो मैं जब पढ़ा रहा था तो इसी को मुझे पूरी तरह से याद है। 31 सर, 31। हाँ तंबाकू कुछ कहे थे सर, बोल गया 31 मई हाँ, जैसे अगर 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 आपसे पूछे कि खैनी खाना छोड़ दिए, बोला नहीं इस महीने के आखिरी में छोड़ूंगा, महीना का आखिरी में छोड़ूंगा, आखिरी 31 होता है, कब छोड़ोगे? आखिरी में, तो 31 मई को एंटी टोबैको डे। ठीक है, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, ये जितने भी डे है ना सबका मेरे पास ट्रिक्स है, सबका मैं बता दूंगा, जितने भी डे दिवस से लोग भागते हैं ना, भागना बंद कर दो। आगे पढ़ते हैं भाई, गुरु ब्रह्मा अवार्ड। ठीक है, ये तो छोटा छोटा अवार्ड है लेकिन पढ़ना तो हमें सब है, क्योंकि पास करना है हमें। ठीक है, गुरु ब्रह्म अवार्ड किसे मिला? ये मिला है गुरु सुशांत महापात्रा को, गुरु सुशांत महापात्रा। अब मुझे बताएगा ये महापात्रा क्या होता है? हार्दिक महापात्रा सुभाष बताएगा।
सर मुखौटा बनाते हैं लोग, छऊ नृत्य। मुखौटा बनाने वाला तीन बताया था, तीन टाइटल ये तो पता था सर, इसके अलावा कुछ हो रहा है क्या? और है महाराणा, एक और मैं भूल गया था, आप लोग भूल जाओगे। सूत्रधार सर, सूत्रधार है, सूत्रधार, वेरी गुड। देखो कौन से सूत्रधार, ये सब इतना पता है कि ऑप्शन मिलने से सब मार दोगे आप लोग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सीना तान के नौकरी लेना है तो ये मिला किसको? ये देखिए, छऊ नृत्य का प्रदर्शन यहाँ पे कराया गया था जगन्नाथपुरी में, ठीक है। जगन्नाथपुरी कहाँ है? उड़ीसा में है भाई। अच्छा, ये एक धाम है, ठीक है। इंडिया के चारों कोना में चार धाम है, सबको एक आदमी इसका नाम बताएगा, चारों का नाम बताएगा। कम सबसे कमजोर लड़का को मैं पकड़ रहा हूँ, पंकज। इंडिया के चारों कॉर्नर में एक एक धाम है, चारों का नाम बताओ। सर नहीं पता सर। सुभाष बताएगा, सुभाष बता देगा 100%। एक हो गया रामेश्वरम, रामेश्वरम साउथ वाला। आगे बोलो। उत्तराखंड का होगी हरिद्वार। सर ये क्या नाम है उसका? कौन काशी है? सॉरी, विश्वनाथ काशी नहीं है, बद्रीनाथ। कंफ्यूज हो गए। हाँ बद्रीनाथ हो गया। वहां पर चार और है जो छोटा काशी के नाम से और जाना जाता है, छोटा। हाँ, चार धाम उसको चारों धाम कहा जाता है। हाँ। जाता बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों को मिला के चार धाम कहा जाता है। और इधर वाला सर ईस्ट में पूरी और वेस्ट में द्वारका। पूरी हो गया, पूरी हो गए, द्वारका, पूरी और द्वारका, गुजरात का द्वारका, ठीक है। इन लोगों का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा। और 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग का फॉर्मेशन कभी किसी ने गौर किया है? और ऐसे है, शुरू है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे 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 एकदम इक्वल दूरी पे ऐसे बन गया है कि भगवान जाने, एकदम ऐसे करके इस तरह करके खत्म होता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं भाई। ये किसको मिला ये तो बता दिया ना, ये पुरस्कार गुरु सुशांत महापात्र। हाँ वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं निनाद पुरस्कार, निनाद पुरस्कार, ठीक है। निनाद पुरस्कार किसे मिला रे भाई? मधु मंसूरी हंसमुख को मिला, ठीक है भाई, निनाद पुरस्कार, ठीक है। देखिए मधु मंसूरी हंसमुख 2020 में इसे ये मिला है भारत रत्न, और 2011 में झारखंड रत्न, 2020 में इसे मिला, 2020 में पद्मश्री, और 2011 में झारखंड रत्न, ठीक है। ये निनाद पुरस्कार मिला है इसे भाई, ये निनाद पुरस्कार कोलकाता में शायद इसे मिला था, मैं न्यूज भी देख रहा था, ठीक है। ये नीलांबर संस्थान बोल के एक संस्थान है, वो देता है भाई, गीतकारों को देता है ये पुरस्कार, गीतकारों के लिए ये पुरस्कार है, ठीक है। ये नागपुरी गीतकार है ना, मधु मंसूरी हंसमुख, ठीक है, कोलकाता में दिया जाता है ये पुरस्कार। आगे चलते हैं हम लोग, राष्ट्रीय वीरता पदक, ठीक है। वीरता पदक कई तरह के होते हैं भाई, तो राष्ट्रीय वीरता पदक अगर आएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और कई वीरता पदक झारखंड में दिया गया है और दिया जाता है। एक होता है सेना वीरता पदक, दूसरा होता है सेवा वीरता पदक, सेवा पुलिस पदक, ठीक है। तो पुलिस वीरता पदक हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, राष्ट्रीय वीरता पदक जो नेशनल लेवल पे दिया जाता है उसको पढ़ रहे हैं,
और वो सब स्टेट लेवल पे दिया जाता है, उसको बाद में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो इसका उसमें उसका उसमें सेट कर दो, ठीक है। राष्ट्रीय वीरता पदक किसको मिला? डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा। नवीन कुमार लकड़ा कहाँ का डीएसपी है भाई? ये रांची का वर्तमान डीएसपी है ये, ठीक है रे भाई। चलते हैं आगे, बाल हितेशी ग्राम पंचायत पुरस्कार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है कि बाल हितेशी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी पूछ सकता है बाल हितेशी, ठीक है। ये नेशनल लेवल का पुरस्कार है, ये नहीं कि झारखंड लेवल का, बाल हितेशी पुरस्कार, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत को दिया जाता होगा, ग्राम पंचायत को बढ़ावा देने के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत पुरस्कार है ये फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, ये बुंडू पंचायत को दिया जाता है। बुंडू पंचायत कहाँ है? बहुत आदमी बोलेगा रांची में, बुंडू प्रखंड रांची में, बुंडू पंचायत है बोकारो, बोकारो में, बोकारो सर। हाँ, ये हर ये पंचायत में देखिए बाल हितेशी छोटे बच्चे के उत्थान के लिए काम करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो बुंडू में शिक्षा शिक्षा का इस पंचायत में हर एक स्कूल, हर एक बालक स्कूल जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका टक्कर का कोई दूसरा मिला ही नहीं, दूसरा पंचायत। इसीलिए पिछले बार भी बुंडू को मिला था, इस बार भी बुंडू को ही मिला, ठीक है रे भाई। आगे चलते हैं, मिसेज इंटरनेशनल क्वीन पुरस्कार, ये शादीशुदा लेडीजों को दिया जाता है भाई, ठीक है। मिसेज इंटरनेशनल क्वीन अवार्ड, ठीक है, क्वीन अवार्ड, ठीक है, ये इंटरनेशनल प्राइज है। ये किसने जीता? रांची की सौम्या सिंह, ठीक है, रांची की सौम्या सिंह है या सिन्हा है, कंफ्यूजन है मेरा, सिन्हा है सर, सिन्हा मिला था। ये जरा देख लीजिएगा, सिंह या सुन, ये है सिन्हा ही होगा, सिन्हा है सर, सिन्हा है, ठीक है। ये दुबई में आयोजित हुआ था पुरस्कार, उसमें मिला है। चलते हैं आगे रे भाई, ठीक है। नागार्जुन सम्मान बड़ा सम्मान है भाई, नाम से ही पता चलता है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। नागार्जुन नागार्जुन सम्मान, ठीक है, नागार्जुन सम्मान किसको मिला? 2021 में मिला है, 2022-23 में नहीं मिला है झारखंडियों को, ठीक है। 2021 में मिला है ज्ञानेंद्र पति, नाम सुने होंगे इसका, बहुत बड़ा राइटर है ज्ञानेंद्र पति, ठीक है, ज्ञानेंद्र पति, ये झारखंड है। इसके सारे बुक आप याद कर ले, मैं लिखो नोट्स में डाल दिया हूँ, ठीक है, आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। ज्ञानेंद्र पति को 2021 में ये नागार्जुन सम्मान दिया गया। ये गुड्डा का रहने वाला है, ये भी बता चुका हूँ पहले ही, ये मतलब इसको ये ना समझिए, ये स्टैटिक क्वेश्चन मान के चलिए, बहुत बड़ा राइटर है ये ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। इसको ये इसको ये भी पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ठीक है, हिंदी के क्षेत्र में वो साहित्य अकेडमी की पुरस्कार जो मिला था, उस बुक का नाम है संस्यात्मा। यस, संस्यात्मा, संस्यात्मा, ठीक है, इतना याद रखें। बाकी इसके बहुत सारे बुक है, मुझे तो फिलहाल याद नहीं है, आप लोग क्या बोलता है इस नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ याद आ रहा है इसका बुक, लेकिन पूरी तरह से याद नहीं आ रहा कि कौन सा बुक था। चलिए, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा उसे। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, राम मनोहर लोहिया स्मृति सम्मान, राम मनोहर लोहिया स्मृति सम्मान, ये बहुत ही अच्छा आदमी था। इसका नाम बेच बेच के समाजवादी पार्टी के जितने भी समाजवाद का प्रवर्तक है ना, सब इसका नाम बेच बेच के
क्या बड़े बड़े कांड कर रहे हैं समाजवाद के समर्थक, कौन कौन है? कोई एक दो नेता का नाम बताओ जो समाजवादी विचारधारा से बढ़ाता है। अखिलेश हो गया, लालू हो गया, नीतीश हो गया, नीतीश हो गया, अखिलेश यादव हो गया, वो लालू यादव, लालू यादव हो गया, उसके बाद मायावती हो गई, उधर समाजवाद का केसीआर हो गया। तो समाजवादी एक विचारधारा है जो इंडिया में प्रवर्तक इसका राम मनोहर लोहिया को माना जाता है। राम मनोहर लोहिया स्मृति शर्मा वास्तव में ये पहले पत्रकार था, ठीक है, बाद में उस फील्ड में राजनीति के फील्ड में गया था। तो पत्रकारित राम मनोहर लोहिया स्मृति सम्मान पत्रकारों को दिया जाता है रे भाई, ठीक है। तो किसको मिला है? प्रभात खबर के पत्रकार, प्रभात खबर के पत्रकार अनुज सिन्हा को, अनुज सिन्हा, ठीक है। शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे मिला है भाई? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में किसको मिला है? 21 में भी मिला था किसी को, 2022 में किसको मिला है कोई बता सकता है? मनोज कुमार सिंह, हाँ, अनुज, क्या नाम था उसका, अरे लेडीज है वो, राष्ट्रीय क्षिप्रा मिश्रा, क्षिप्रा मिश्रा को मिला, ठीक है। आप मनोज कुमार सिंह को 2021 में मिला था रे चाचा, 2021 में मिला था मनोज कुमार सिंह को, ये पुराना हो गया, ठीक है। मनोज कुमार सिंह 2021 में इसे मिला था, ठीक है, गणित का टीचर था शायद, कहाँ का था पता नहीं, लेकिन इसी को मिला था। बहुत अच्छा से मतलब बच्चे, वो तो उसका वीडियो भी वायरल हुआ था मनोज कुमार सिन्हा का, ठीक है। ये शिप्रा मिश्रा कदमा, कदमा प्लस टू स्कूल का ये टीचर थी, टीचर है, ठीक है। कदमा बोले तो नाम से ही पता चलता है जमशेदपुर की होगी, ठीक है। चलते हैं आगे रे भाई। प्रेमचंद्र स्मृति सम्मान, प्रेमचंद्र स्मृति सम्मान किसे मिला भाई? रणेंद्र को मिला, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रणेंद्र, ये रणेंद्र बहुत बड़ा राइटर है, ज्ञानेंद्र पति टाइप का वर्तमान में झारखंड का, ठीक है। प्रेमचंद्र स्मृति सम्मान 2022 रणेंद्र को मिला है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं क्या पढ़ती है, गोल्डन बुक अवार्ड, ठीक है। गोल्डन बुक अवार्ड किसको मिला है? ये क्या नाम है भाई, डांग है कोई, निवेदिता डोंग, ठीक है, निवेदिता डोंग को ये पुरस्कार मिला है भाई, गोल्डन बुक अवार्ड, ठीक है, गोल्डन बुक अवार्ड। ये बहुत बड़ा अवार्ड है भाई, इंटरनेशनल अवार्ड है, गोल्डन बुक अवार्ड, ठीक है। दुबई में इसका प्रोग्राम हुआ था, उसका जो किताब कॉन्फ्यूज्ड माइंड, ठीक है, कॉन्फ्यूज्ड माइंड को यह पुरस्कार मिला है। इंग्लिश बुक है ये, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर है ये कॉन्फ्यूज्ड माइंड, ठीक है। बस अभी इतना कर लीजिए पार्ट टू में, और जितने भी पुरस्कार बचे हुए हैं सारे को कवर कर दिया जाएगा। मुझे कराने में कुछ नहीं है, अभी तुरंत करा सकता हूं, मगर दिमाग को थोड़ा सा सोचने समझने का टाइम भी चाहिए, ठीक है। नोट्स जो है, नोट्स में यूट्यूब में इसे अपलोड करूंगा, नोट्स का लिंक नीचे दे दूंगा अगर किसी को चाहिए होगा। और इतने जितने ज्यादा जो आप लोग जे सीरीज वाले हो, सारे नोट्स मैं उसमें डाल दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है।